आज के समय में कैंसर तेजी के साथ लोगों को अपना शिकार बनाती जा रही है, जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कैंसर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे शरीर के किसी भी हिस्से की सेल्स अनकंट्रोल रूप से डिवाइड होने लगती हैं। कैंसर शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में फैलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले शरीर के किसी भी एक हिस्से में होने वाले कैंसर को प्राइमरी ट्यूमर कहा जाता है, जिसके बाद शरीर के दूसरे हिस्सों में होने वाला ट्यूमर मेटास्टेटिक या सेकेंडरी कैंसर कहलाता है। आपको बता दें कि मेटास्टेटिक कैंसर की सेल्स भी प्राइमरी कैंसर के मरीजों जैसी ही होती हैं। मेटास्टेटिक कैंसर शब्द का इस्तेमाल सॉलिड यानी ठोस ट्यूमर के लिए किया जाता है जो शरीर के अन्य हिस्सों में फैल चुका होता है। अब आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कैंसर की स्टेज कितनी होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज में कैंसर का ट्यूमर छोटा होता है और आसपास के टिश्यूज की गहराई में नहीं फैलता, लेकिन थर्ड स्टेज होते होते कैंसर काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाता है और ट्यूमर भी काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और इसके अन्य अंगों में फैलने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा फोर्थ स्टेज कैंसर की आखिरी स्टेज होती है। इसमें कैंसर अपनी शुरुआती हिस्से के अन्य अंगों में फैल जाता है। इसे विकसित या मेटास्टेटिक कैंसर भी कहा जाता है। क्यूरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।